आपने भी वैलेंटाइन की वीडियोस देख ले किस प्रकार से बनी है फ्रेंड्स। ऐसे वैलेंटाइन डे की वीडियोस फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं अपने फोटो के साथ में। कैसे बनाना कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए करना क्या, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सपना। तो चलिए तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो को एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। मैं इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहां पर डाउनलोड करके इसे ओपन रखा, तो यहां पर देखिए प्लस का आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे और यहां से ये वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अपनी फिंगर की मदद से ये जो हमारा लेआउट है बैकग्राउंड का, इसे हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक कर दिया 30 सेकेंड तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक टेम्पलेट हमने यूज़ किया है, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे और थोड़ा सा आगे आएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि आगे का पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहे इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक आप आके देख सकते हैं। लास्ट में आइए, अब जहाँ तक आपका टेम्पलेट है वहाँ तक आप अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके सीजर पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेट पर क्लिक करके यहाँ से कट कर सकते हैं, जाके ये बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको वापस इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर ब्लाइंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे, और फ्रेंड्स आपके पास जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं फ्रेंड्स आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए जैसे हम यहाँ पर ये वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसे जूम करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से फ्रेंड्स आप जूम कर सकते हो, छोटा बड़ा मतलब जो भी करना आप कर सकते हो, यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स आप अपनी फ़ोटोज़ की लेंथ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जितने दूर तक आपको अपनी फ़ोटोज़ रखनी है वो रख सकते हो। वापस यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स और वापस लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर, और यहाँ से फ्रेंड्स आप दूसरे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हमने अभी ये वाले फ़ोटो को सिलेक्ट किया, जूम किया, यहाँ पर लाए और इसे भी हम यहाँ क्या करते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आगे आते हैं, आगे आने के बाद देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। उसी तरह से फ्रेंड थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं और इसी तरह से फ्रेंड बाकी के फ़ोटो फटाफट आप ऐड कर लीजिए। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बाकी के फ़ोटोज़ को यहाँ पर सब ऐड कर दिए। फ्रेंड्स अगर किसी फ़ोटोज़ की लेंथ बढ़ी है, अगर वो यहाँ तक देखिए जो हार्ट हमारा दिल बना हुआ है इसके ऊपर भी आ गया है, देखिए कलर चेंज हो गया है, रेड से कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो इस फ़ोटो का जो आप जो है क्रॉप भी कर सकते हो, तो फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, आप पहले थोड़ा सा स्मॉल कर लीजिए, वापस यहाँ पर आइए, देखिए क्रॉपिंग ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने अभी क्रॉप कर दिया, वापस जो फोटो पर क्लिक करेंगे इसे जूम कर लेंगे इस तरह से, तो देखिए हार्ट पर से हट गया, यानी कि दिल पर से हट गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, इसके अंदर एनिमेशन देना, जितने भी फोटोज़ हमारे थे फ्रेंड्स इसके अंदर एनिमेशन देना है। तो हम फोटो पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इन एनिमेशन होता है, अगर आप इन एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरह से आएगा, अलग अलग यहाँ से आप एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा आपको अच्छा लगे वो एनिमेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला एनिमेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए। उसी तरह से फ्रेंड वापस जो है हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए आउट एनिमेशन पे, मतलब जब फोटोज़ ख़त्म होगी तो किस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से फिर वापस सेकंड फ़ोटोज़ पे आइए, इन एनिमेशन सबसे पहले दीजिए आप, चलिए हमने इसे पॉपअप पर दे दिया, वापस क्लिक कीजिए और यहाँ पर आउट एनिमेशन पर आइए, यहाँ से आप अलग प्रकार से ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड जब इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर एनिमेशन ये होने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम थर्ड वाले फ़ोटो पे आते हैं, इन एनिमेशन पे आते हैं और हम इसे ये वाले एनिमेशन दे देते हैं, वापस उसी पे क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और इसे हम इस तरह से कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, इन मतलब स्टार्टिंग, आउट मतलब जो है फिनिश होता है तभी। अभी देखिए इस फोटो पर आए हम, इन एनिमेशन पे क्लिक किए, इसे भी पॉपअप पे क्लिक कर दिए, वापस ओके किए, वापस उसी पे क्लिक किए, आउट एनिमेशन पे आए, यहाँ से हम आउट एनिमेशन जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप फटाफट एनिमेशन दे दीजिए।
तो फ्रेंड इस तरह से हमने सारे फोटोज को ऐड करके एनिमेशन दे दिया। अभी फ्रेंड्स आप वापस आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे। यहाँ से फ्रेंड्स आप अपना कोई एक अच्छा सा फोटो को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमने ये वाले फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, इसे हम इस प्रकार से जूम करेंगे। जूम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आइए आप क्रॉपिंग पे, इसे इनेबल कर दीजिए और इसे कुछ इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स वापस आप फोटो पे आइए और इसे जूम कर दीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स आइए नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा यानी ओपेसिटी दिया हुआ, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं, ये देखिए। और वापस इस फोटो पर क्लिक करके इसे पूरी लेंथ तक लास्ट तक आप ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो चुका है। अभी हमें देखिए ये जो दो हार्ट बने हुए दिल, इसके अंदर नाम लिखना, आपका नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे, जैसे मैं अरविंद लिखता हूँ, ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए आप कलर चूज़ कर सकते हैं, कौन से कलर में रहना चाहिए, हम रेड कलर चूज़ कर लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर है, आप इसे जूम वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसे लाया वापस, इधर डबल ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स अलग अलग जो यहाँ पर फॉन्ट दिए हुए हैं, किस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर आएंगे नीचे, तो देखिए यहाँ पर आउटलाइन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। मैंने ब्लैक यहाँ पर चूज़ कर दिया हूँ, आप चाहिए तो कोई अलग आउटलाइन चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर हमने ऐड कर लेते हैं हम, और इसे भी पूरी वीडियो तक सिलेक्ट कर लीजिए। और उसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने पार्टनर का भी नाम लिखिए, जो भी नाम है, जैसे हम यहाँ पर ये लिख दिए हैं। वापस फॉन्ट पे जाएंगे, आप जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। वापस कलर सिलेक्ट कीजिए, ओके। और वापस जो है हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ आउटलाइन सिलेक्ट कर देंगे ब्लैक, आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम ये वाले फॉन्ट को वापस चेंज कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो वापस हम नीचे ऊपर आते हैं और इसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने नेम ऐड कर दिया, अभी हम इसे क्या करेंगे पूरी लेंथ तक ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारी वीडियोस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स हम इसके अंदर सॉन्ग ऐड करना है, तो हम स्टार्टिंग में आएंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो भी सॉन्ग्स वगैरह रहेंगे वो आपको शो करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी सॉन्ग्स आपको चाहिए वो सॉन्ग आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स के अकाउंट पर क्लिक करें, तो यहाँ देखिए नीचे जो है हमारा सॉन्ग ऐड हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है सॉन्ग ऐड कर सकते हो इसे। तो फ्रेंड्स एक गुजारिश है आप लोगों से, फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाओ। तो फ्रेंड्स करना क्या, आपको अभी डाउनलोड करना है अपने वीडियोज़ को, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी साइज़ में आप करना चाहते हो, जिस क्वालिटी में, आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये जो वीडियोस थी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है बना सकते हो वैलेंटाइन डे की वीडियोस। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।